जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी सिद्धांत से आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं शीतला माता का एक अनूठा प्रयोग बताने जा रहा हूँ और उसका एक साधना विधान बताने जा रहा हूँ, जिसके प्रयोग से आप किसी व्यक्ति का, यदि कोई दूर व्यक्ति बैठा हो तो उसका वशीकरण कर सकते हैं। क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि आप दूर किसी व्यक्ति पास में बिना जाए, बिना पहुँचे वहाँ वशीकरण कैसे करें, देवी या देवता के माध्यम से। तो आज मैं आपको शीतला माता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ यह प्रयोग करने से, यह सिद्ध कर लेने से आपके घर में किसी प्रकार का भूत बाधा, प्रेत बाधा या नेगेटिव ऊर्जा का समावेश हो रहा हो, घर में किसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा बन रही हो जिससे आपके घर में पैसा नहीं रुकता हो, घर में कोई ना कोई व्यक्ति परेशानी में लगा हुआ, बनता काम बिगड़ जाता है, इस तरह से परेशानी हो, तो माता शीतला का पूजन करके उसका सिद्ध विधान करने का आपके घर में ये तरह परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसमें यह साधना विधान को करने के बाद में यदि किसी व्यक्ति में माता आई हो या कोई भी रोग हो या कोई भी या बार बार बुखार आ रहा हो, रोग हो, भयानक से भयानक हो, उसको यह प्रयोग करके उतारा कर देने से, ये मंत्र पढ़ने से, विधान कर देने से वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। गांव में शीतला माता को सबसे शांत रूप और अति प्रभावी, मतलब तुरंत कह देने से कार्य करने वाली देवी कहा जाता है। ये सभी उपद्रव, तंत्र मंत्र, किसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा हो उनको शांत करने में, तुरंत शांत करने में बहुत ही अग्र और तुरंत सक्षम होती हैं। इसलिए हर गांव में शीतला माता का मंदिर जरूर होता है। महामाया, ठाकुर देव और शीतला माता, इन तीन देवी देव का स्थान जरूर होता है। आज मैं उसी देवी का विधान बताने जा रहा हूँ जिसको आप प्रयोग करके अनेक कार्य में आप इनसे ले सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि यह अमुक कार्य हो जाए। इसको क्रमबद्ध मैं बारी बारी समझाऊंगा, उसको बताने की कोशिश करूंगा। यह प्रयोग करके आप जनहित जन कल्याण करें, दूसरों का भला करें और आपका भी भला हो, इस उद्देश्य से बताने जा रहा हूँ। ग्रामीण के तंत्र मंत्र साधना के बारे में आप लोग को जानकारी देना, उनसे अवगत कराना, यही मेरा उद्देश्य है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यह जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके विधान के बारे में। तो प्रिय साधकों, इस साधना को आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को करें सबसे उत्तम होगा। किसी भी शीतला माता के मंदिर में आपको यह साधना विधान करना है। साधना विधान करने के समय में आपको एक नारियल, अगरबत्ती, फूल, लाल कलर का फूल हो, लाल का फूल, बताशा, थोड़ा सा केसर और कुमकुम और एक नीम का डाली, एक नींबू, या आपको लेकर के जाना है। वहाँ जा करके आपको कुसा की आसन या फिर सफ़ेद कपड़ा का आसन, इसमें आपको बैठ जाना है। आप जो पहन रहे हो वो सफ़ेद कलर का हो या फिर हरा कलर का कपड़ा हो, सफ़ेद कलर सबसे उत्तम माना जाता है। सफ़ेद कलर का कपड़ा हो, वहाँ पे बैठ जाएं, एक दीपक जलाएं, दीपक जला करके गणेश का स्तुति करें, उसके बाद गुरु का, फिर उसके बाद माता सरस्वती का, फिर रक्षा मंत्र पढ़ें, श्री रक्षा मंत्र। यह पढ़ने के बाद में आप माता शीतला को आग्रह करें, प्रार्थना करें कि मैं यह जो कार्य कर रहा हूँ आप कृपा करके कृपा दृष्टि बनाए रखें, मैं जो भी कार्य करूँ आपके आशीर्वाद से वह पूर्ण हो सके, अपना और दूसरों का हित कर सकूँ, यह आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में आपको वहाँ पर सभी सामग्री को रख देना है। जो आप बताशे केसर रखें वो बंगला पत्ता ना मिले तो केले के पत्ता का इस्तेमाल करके उन्हीं के ऊपर में आपको देना है, जल को छिड़क देना है। यह विधान करने के बाद में आपको यह मंत्र को पांच बार पढ़ना है, पांच बार या फिर सात बार पढ़ सकते हैं, पांच बार पढ़ना है। अब पांच बार पढ़ने के बाद में सभी सामग्री को देना है और प्रार्थना करके आपको चले आना है। यह एक दिन या फिर तीन दिन कर सकते हैं, एक दिन में भी हो जाएगा, तीन दिन करना चाहें तीन दिन हो जाएगा, पाँच दिन करना चाहें तो पाँच दिन, सात दिन करना चाहें सात दिन। सबसे उत्तम इसमें से सात दिन माना जाता है, लेकिन आप एक दिन भी कर देंगे तो यह बहुत प्रभावी होगा। यह विधान है। यह विधान करने के बाद जो वशीकरण संबंधित कार्य लेना चाहते हैं तो वो कृपया करके सात दिन यह विधान को कर लीजिएगा। मंदिर में जाकर प्रतिदिन सुबह आप जाएँ,
9 बजे से पूर्व, यदि शाम को जा रहे हो तो सूर्योदय से पहले जाएं या जा करके या परिपूर्ण कर लें, सभी सामग्री वहीं अर्पित कर दें। इसमें केसर बतासे या आप प्रतिदिन लेके जाएंगे उसके भोग है और बाकी वही रहेगा। नीम का डगाल है वो प्रतिदिन आपको नया नया अर्पित करना है। यह हो गया। जब भी किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का बाधा लगा हो, नेगेटिव ऊर्जा किसी प्रकार का, तब आपको वही सामग्री लेना है एक केले के पत्ते में और उस रोगी व्यक्ति से, उस शरीर से उसकी यह मंत्र पढ़ते हुए 7 बार उतारा करना है और माता शीतला के नाम में उनको गांव के बाहर सिवाना में या फिर चौरास्ता है वहां पे आपको रख देना है। बस इतना करने से वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। यदि किसी को माता आई है तो भी आप यह सुमरण करते हुए, इस मंत्र का सुमरण करते हुए उनके शरीर से नारियल, बंगला पत्ता, एक नींबू इतना लेकर के भी आप उतारा करके छोड़ देंगे तो भी वह ठीक होना आरंभ हो जाएगा। जिसको वशीकरण संबंधित कार्य करना है, जिस व्यक्ति का, उसका नाम, फोटो इस ओर रख करके वहाँ माता शीतला का नाम है कि मैं यह अमुक व्यक्ति अमुक के लिए वसी को, ताकि उसका घर परिवार सुखी समृद्धि बनी रहे। ध्यान रहे पति पत्नी या फिर घर में सास बहु में अनबन हो या फिर आपके उच्च पदाधिकारी हैं उनसे आपको बना उनसे संबंधित हो तो ही यह कार्य करें, अन्यथा किसी की जिंदगी बर्बाद करने के उद्देश्य इस कार्य को ना करें। अब वह तस्वीर रखना है और वहाँ रख करके यह मंत्र को आपको 5 बार या फिर 7 बार पढ़ना है और सभी समाग दे देना है कि कार्य पूर्ण हो सके। और जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आपको 2 नारियल, 2 नींबू मैं आपको अर्पित करूंगा, ऐसा आपको बोलना है। और जब कार्य पूर्ण हो जाए तो वही सामग्री फिर लेकर के और वो 2 नारियल और 2 नींबू आपको अंतिम दिन में देना है। इस तरह का प्रयोग है, अब इसको करना है दोनों में। अब मैं बताते हूँ मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार है, मोहनी सोहनी बच के मारो, चलो मोहनी जग मोहो, संसार मोहो, राजा मोहो, प्रजा मोहो, सभा के बीच पंडित मोहो, इंद्र की परी, दुहाई गौरा पार्वती महादेव, सातो सती शारदा भवानी छु। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को प्रयोग करना है। दोस्तों यह जानकारी जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है और यह ग्रामीण गुप्त विद्या आपके समक्ष यह जानकारी विलुप्त ना हो इस उद्देश्य से बताया जा रहा है। यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल का उसको प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।